यहाँ पे सीरियसली, क्योंकि मैं स्पेस में आ चुका हूँ यार। इसके नीचे से जा रहा हूँ मैं, देखो। तो आप लोग एक बार ऊपर से देख लो कैसा लगता है ये। वंस अगेन MFK इज हियर। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा था पिछले व्लॉग में कुवैत म्यूजियम का व्लॉग कमिंग सून था, तो फाइनली वी आर इन म्यूजियम। सो दोस्तों, मेरे हाथ में है कुवैत म्यूजियम का टिकट और मेरे हाथ में बैग भी है। सो कोई बात नहीं, इस बैग को लेकर पूरा घूमना पड़ेगा हमें। मुनब भाई ने बैग तो थमा दिया। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कुवैत म्यूजियम का जो ये म्यूजियम सालमिया में है, इस म्यूजियम का नाम क्या है और इसका टिकट प्राइस क्या है। तो इस म्यूजियम का नाम है शेख अब्दुल्ला अल सलीम कल्चर सेंटर और टिकट प्राइस है 3 KD एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 1.5 KD। और इसका टाइमिंग है 7 बजे से शाम 7 बजे तक, संडे को ये म्यूजियम ऑफ रहता है। ओके, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, म्यूजियम के नज़ारे आप लोगों को दिखाते हैं। तो अपना ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा रहता है या बुरा रहता है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इतना बड़ा मुझे म्यूजियम दिख रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें अलग अलग सेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं, एंट्री करते हैं। फर्स्ट टाइम अपन आए हैं तो इसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब पूरा घूमूंगा, देखूंगा और जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग मतलब एंट्रेंस है, इसमें चलते हैं अंदर, उसके बाद देखते क्या होता है। तो आप यहाँ पर बैठ कर हमसे रिलैक्स होकर यहाँ पे कुवैत का जो पोएट्री है वो सुन सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्पीकर है, इसमें से आवाज़ आता है। यहाँ पे बैठ के आराम से रिलैक्स होके पोएट्री सुन सकते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा सारे चीज़ों को हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूजियम है तो वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। सो ये जो आपको LCD दिख रही है, इसमें आप इंग्लिश चॉइस करो और आपको इसमें मतलब बिल्डिंग वगैरह की, मतलब जो जो भी इसमें बिल्डिंग है कुवैत की या अदर कंट्रीज़ की, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये मॉस्क्यू है, अगर इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर आप क्लिक करो, आप लोग देख सकते हो, इसमें इसका इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। जो भी डिटेल्स वगैरह आप जानना चाहते हो जिस भी बिल्डिंग के बारे में, तो इसमें दिया रहता है। तो अगर आते हो कभी तो देख लेना, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आगे जैसे निकलेंगे हम, इधर अपने को सामने ये थोड़ा मस्जिद टाइप का मुझे दिख रहा है, देखते हैं अंदर चलते हैं। तो अंदर आते ही ये देखिए एक बड़ा सा मैप दिख रहा है हमें, और मैप में दर्शाया गया है, क्या लिखा है इसमें, इस्तांबुल। आई थिंक इसमें लग रहा है कि मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है, कि मतलब कौन से यहाँ पे कौन सी मस्जिद है। और ये है हमारा प्यारा सा काबा, मक्का मदीना। सो उसका स्ट्रक्चर, प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये हमारा काबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या दिख रहा है यार, कितना खूबसूरत है। ओके, तो कमेंट इसके लिए एक बनता ही है। और ये देखिए, पहले ज़माने का कॉइन, कुवैत का कॉइन है, फिल्स है, इसको फिल्स बोला जाता है यहाँ पे। तो पहले, बहुत पहले ऐसे रहा करता था। और ये कुछ औजार है पहले ज़माने का कुवैती लोगों का, तो ऐसा कुछ था पहले। और ये देखिए, जिससे ये लोग लिखा करते थे, पेंसिल समझ लीजिए। उसके बाद ये कैंची है, ये पहले ज़माने का हथौड़ी है, मतलब वहीं से बन के आया है। और उसके बाद ये देखिए, कैंची है। और ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें आप इंग्लिश और अरबी लैंग्वेज चूज़ करके किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, बुक्स ऑफ द गोल्डन एज, इसको आप पन्ना पलट के पढ़ सकते हैं। और ये जो भाई साहब बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ये आप लोगों को लग रहा होगा रियल कोई बैठा है, बट कोई बैठा नहीं है। और ये स्क्रीन भी नहीं है, टीवी वगैरह कुछ नहीं है, ये आप किक मूवी का सीन देखे थे ना, सलमान खान पुलिस को कन्फ्यूज़ करने के लिए लगाया था अपना डुप्लीकेट, वैसा ही सीन दिख रहा है यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं, फिर अरबिक इस्लामिक साइंस से निकल के आया हूँ और अभी जा रहा हूँ स्पेस में। स्पेस, दिस इज द साइंस स्पेस। मैं देखने जा रहा हूँ मून, क्लियर नहीं दिख रहा बट ठीक ही दिख रहा है। अब देखो ट्राई को, हाँ ये क्या है, इंग्लिश चेंज कर सकते हैं क्या हम, हाँ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, इस सन है देखो। ओके, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेटेलाइट। ओके, देखिए गौर से देखिए, ये नासा वालों ने इसे छोड़ के गया है, आएंगे वापस नासा वाले इस सेटेलाइट को लेने के लिए, ठीक है। और क्या कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए
यहाँ पे छोटा सा सौर मंडल को दर्शाया गया है। ये सूरज है और सूरज के चारों तरफ ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी है। काफ़ी मतलब बेहतरीन लग रहा है ना, छोटा सा मतलब बनाकर दिखाया हुआ है कि कैसे सौर मंडल दिखता है। सारे ग्रह अपना पृथ्वी इधर है, पृथ्वी आई थिंक ये सन है शायद, कौन से पता भी नहीं चल रहा इसमें यार। मस्त लग रहा है ना, पृथ्वी अपना इधर है, सूरज ये शायद नहीं, ये सूरज है पता नहीं कौन सा है, देख लो समझ लो अपने में। और इस स्क्रीन में ना आप ये जो आपको जितने भी ग्रह दिख रहे हैं ना, तो आप इसको इसमें लेकर आ सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो। आपको बताएगा यहाँ पे कि इसमें क्या क्या है, सब कुछ बता देगा। ऊपर चलते हैं, ऊपर में देखते हैं क्या है। पैसा दिए तो पैसा वसूल तो करना पड़ेगा ना पूरा घूम के। 7 बजे बंद हो जाएगा ये, संडे को क्लोज रहता है। तो अभी हो रहा है 5:35 और अभी आए हैं हम ऊपर। वैसे सबसे मस्त मुझे यही लगा, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ गए। तीन तरफ थोड़ा ये है स्पेस, यू कैन सी, देखो इन्हें, ये है उसके बूंदे, स्पेस एकेडमी। ओ लटका हुआ है भाई साहब, कूद मत जाना तो हड्डी पिटी टूट जाएगा, समझिए। ये गेम खेल रहे भाई साहब, इंजन स्पेस का। लटके हुए यहाँ पे एक लटका है, आसमान में पहुंच चुका हूँ। देखिए जिंदगी इन लोगों की क्या जिंदगी जी रहे रियली। ये तो गेट देखो रियल लग रहा है। और ये देखो सारी चीजें उड़ते हुए, लैपटॉप गिटार कैमरा सभी चीजें उड़ रही हैं। घूमने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। स्पेस की दुनिया तो हमने देख ली, अब चलते हैं कहाँ चलते हैं, देखते हैं कहाँ चलेंगे। अब पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलेंगे। ये रहा नेचुरल हिस्ट्री, कम इनसाइट दिस। ओ ये रियल है या बस बनाया हुआ है। डायनासोर की हड्डियाँ, ये तो वो मूवी में मैं देखा था, कोई हॉलीवुड की मूवी में देखा था यार मैंने। यही है, यही जू है, ये उसकी हड्डी बची हुई है अभी। अबे आवाज़ क्यों गिर रहा है, और ऊपर भी है भाई, ऊपर भी है अभी। ये देखो ये डायनासोर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के नीचे से जा रहा हूँ मैं। देखो बनाया हो गया इसको, क्या चीज है यार ये, इसके नीचे खड़ा हूँ, गिर जाएगा तो मर जाऊंगा। ये देखो छुटका सा हाथी बैठा हुआ है, ग्रेट है यार, स्टीम है ये। छह
अच्छी लोग यार, परेशान कर देते यार, जिधर जिधर जा रहे उधर उधर आ रहे पीछे पीछे। ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटता है तो गिर के इधर से आके मेरे पैर पे गिर जाता है। ठीक है, काफ़ी डेंजर आवाज़ आ रहा है यार, वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, आई एम रियली सॉरी। वैसे आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे देखने थे, आज देख लिए। और ये शुतुरमुर्ग का बच्चा और उसका बच्चा, क्या बहुत डर लग रहा है देख के। अकेले ये बंदर का लगता है कंकाल है, देखो हाथी का कंकाल, हाथी है ना ये। देखो कार का बोनट है, वो भी मिरर का, क्या बात है। ये कार है, पेट्रोल से भी चलता है और इलेक्ट्रॉनिक भी है, इलेक्ट्रिक भी चलता है, BMW। ये दो इतने बड़े बड़े कबूतर हैं, बिल्कुल ही रियल लग रहे हैं ऐसे, कसम से ऐसा लग रहा है रियल में उड़ रहा है। आलू, उसके बाद ये ऊपर टंगी हुई शार्क, ठीक है, ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सख्त लौंडा है ये, इसे मुड़ जाता है, ये तो सुस्त जानवर है पूरा, गिरने वाला। हिरन, कंगारू छोटे छोटे, रियल लग रहे हैं। बारहसिंगा, ये क्या है, भेड़िया है, ये गेंडा, उधर है भालू, ठीक है, इधर एलिफेंट, ये कौन सा जानवर देख रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे शेर, शेर, टाइगर, एलिफेंट, यहाँ पर ना रियल कुछ भी नहीं है, सभी बनावटी है, देखिए सभी बनावटी है, रियल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैंने सोचा था कि रियल कुछ देखने को मिलेगा, बट रियल कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हैं ना, देखो सारी चीज़ें बनावटी है, सब कुछ हेड नहीं है, देखो कंगारू, चिंपैंजी, चिंपैंजी पप्पी ले रहे हैं, चिंपैंजी से खेल रहे हैं, फाइटिंग टेंशन, ओके। सो आवश्यक सूचना, इस म्यूजियम में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी हैंडमेकिंग है, हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस बताऊं तो उतना ख़ास नहीं था यहाँ का, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हम लोग कहीं पे जाते हैं तो कई चीज़ें अच्छी लगती है, कई चीज़ें बुरी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।
बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, खुदा हाफिज़।